नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में जिसका नाम है अग्निपथ योजना पर कांग्रेस का हल्ला बोल। कितना बेहतर होगा, क्या असर लाएगा, यह देखना होगा। फिलहाल देश भर में अग्निपथ योजना को लेकर घमासान जारी है। विपक्षी पार्टियां लगातार इस मसले पर सरकार को घेर रही हैं। अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस देशव्यापी प्रदर्शन कर रही है। देश भर में हर विधानसभाओं में अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन में पार्टी के सांसद, विधायक और नेता भी शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार सेना में भर्ती की यह नई योजना लाकर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। कांग्रेस ने सेना में 4 साल के लिए संविदा पर अग्निवीरों की नियुक्ति योजना यानी अग्निपथ को लेकर एक बार फिर केंद्र सरकार की नीति और नियत पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि इस योजना से देश की सुरक्षा को नुकसान होगा, साथ ही ये युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली योजना है। 50,000 युवा दौड़ और मेडिकल में पास हो गए थे। इस नई योजना के आने के बाद इनके साथ धोखा हुआ और सारी भर्ती प्रक्रिया रद्द कर दी गई। अब इन्हें नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया में भाग लेना होगा। पहले राज्यों का एक विशेष कोटा होता था, अब वो कोटा नहीं लागू होगा। उन्होंने दावा किया कि अगर युद्ध की परिस्थिति में दो तरह के सैनिक होंगे तो ये स्थिति और ज्यादा खतरनाक हो सकती है। 20 जून को कांग्रेस के 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग की थी। ज्ञापन सौंपने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने कहा कि यह योजना गलत है और गुमराह करने वाली है, यह सुनियोजित थी और यह खतरनाक योजना है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, हमने सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर के रूप में राष्ट्रपति से अनुरोध किया है कि वे संविधान की रक्षा करें, इस देश की सुरक्षा और रक्षा करें, सेना, नौसेना और वायुसेना की परंपरा और लोकाचार की मदद करें। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस पहले से ही सियासी दबाव का आरोप लगाकर सड़कों पर उतर चुकी है। अब अग्निपथ योजना का विरोध करके कांग्रेस जाहिर तौर पर सरकार के खिलाफ मुहिम को तेज करने में कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती। ये सारी चीजें हैं, लेकिन कांग्रेस का यह हल्ला बोल कितना असर दिखाएगा यह समझना होगा। तो फिलहाल आंदोलन किसानों को लेकर भी हुआ था, आंदोलन खुद को लेकर भी हुआ, जिस तरह की जो प्रशासनिक मशीनरी है उसका जो प्रयोग हुआ उसको लेकर भी सड़कों पर राहुल गांधी से जिस तरह की पूछताछ हुई, सोनिया गांधी को सम्मान मिला और अब अग्निवीरों की इस योजना को लेकर। लेकिन उतना सफल हो रहे हैं क्या कांग्रेस के ये जो हल्ला बोल हैं या कांग्रेस के जितने प्रदर्शन हैं? बड़े बड़े मुद्दों को, चाहे बेरोजगारी से जुड़ा हो, चाहे किसानों से जुड़ा हो, इन मुद्दों को कांग्रेस क्यों नहीं भुना पा रही? असल में कई बार इस तरह की स्थिति भी हुई कि कांग्रेस अपनी सियासी जमीन को तलाशने की कोशिश कर रही है और जिस तरह से कांग्रेस हाशिए पर पहुंची है, निश्चित तौर पर उसके संगठन की मजबूती को लेकर कई बार सवाल खड़े हुए। यहां तक कि प्रशांत किशोर भी, जब कांग्रेस की कमान उनको सौंपी जा रही थी, तो उन्होंने भी पल्ला झाड़ दिया था और ये स्पष्ट तौर पर कांग्रेस को नसीहत दी, आईना दिखाने का काम किया कि पहले संगठन को मजबूत करें, उसके बाद वो सियासी गलियारों में अपने कार्यकर्ताओं को उतारें, उनको भरोसा दिलाएं कि ऊपर के लोग कोई खाई नहीं खींचना चाहते। क्योंकि कई बार ये शिकायतें आई कि राहुल गांधी सहित जो बड़े नेता है वो कहीं ना कहीं मुलाकात के इस दौर को थाम देते हैं, रोक देते हैं, तो इस खाई को पाटना होगा। तो क्या वो खाई पाट पाएगी? क्योंकि संगठन में शक्ति होती है तो निश्चित तौर पर कोई भी आंदोलन मजबूत हो जाता है। जिस पेड़ की जड़ें कमजोर होती हैं वो पेड़ खोखला होता चला जाता है। तो ऐसे में कांग्रेस सियासी जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो किस हद तक कामयाब होगी ये भी हमें देखना होगा। क्योंकि सबसे पहला वजूद तो कांग्रेस के अपने अस्तित्व का है, जिस तरह से वो अलग अलग राज्यों में खत्म होती जा रही है। तो हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, उनसे हम पूरे इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि अग्निपथ योजना पर जो कांग्रेस का हल्ला बोल है वो कितना असरदार साबित होगा, इसको समझने भी कोशिश करेंगे कि ये हल्ला बोल के मायने क्या है। कैप्टन आई सिंह, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जया ठाकुर, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने इस चैनल पर। और साथ ही जया जी, आपके पास आना चाहेंगे। देखिए, कोई भी आंदोलन तभी सक्सेस होता है जब संगठन में शक्ति होती है। बड़े बड़े मुद्दे आपके हाथ में आए और वो असर नहीं दिखा पाए जो दिखाना चाहिए था। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियाँ हैं वो उसमें सफल हो रहे हैं, उनका एक विज़न है, वो लोगों को दिखाई देने लगा है। और उसकी स्थिति ये रहती कि धीरे धीरे करके वो
जगह जगह अपनी सरकारें स्थापित करते जा रहे हैं। क्या लगता है आपको, जब ये हल्ला बोल के लिए आप अग्निवीर योजना के लिए जो बात उठा रहे हैं, ये जन जन तक समझ पाएंगे लोग, और ये मुद्दा जो आप भुना पाएंगे, अपनी सियासी जमीन को मजबूत कर पाएंगे इस मुद्दे के जरिए? लोगों को ये समझ में आ रहा है पॉलिटिक्स की नहीं, क्योंकि योजना है भविष्य के साथ, आप सभी जानते हैं बनाए गए टाइम होता है। इसके बाद जब चार हमें निकाल देंगे, लौट के आएंगे तो क्या जॉब ऑप्शन, ये एक बहुत बड़ा। आपकी आवाज रुक रुक कर आ रही है हमारे पास, हम आपकी आवाज ठीक कराने की कोशिश करते हैं ताकि हम आपको सही से सुन पाए, हमारे दर्शक आपको सही से सुन पाए। अगर सुन नहीं पाएंगे तो चर्चा का कोई मतलब नहीं रहेगा, और हम चाहेंगे पैनल से कि आवाज़ को थोड़ा ठीक करें। कैप्टन साहब, आपसे समझना चाहेंगे, कोई भी योजना लाई जाती है, सलाह मशवरा होता है, जल्दबाजी नहीं की जाती। लगता नहीं आनन फानन में योजना लाई गई, उसके बारे में बता दिया गया, और उसके बाद अचानक से युवाओं का जो गुस्सा है, गुस्से को देखते हुए कि इतनी प्रतिक्रिया होगी या नहीं होगी, उस गुस्से के बाद अमेंडमेंट होने लगे, बदलाव होने लगे, लोक लुभावन चीजें होने लगी, तो इतनी जल्दी क्या थी? रविंद्र सिंह जी, आप ये देखते हैं कि सरकार कोई भी अगर लेके आती है तो जल्दबाजी में कुछ नहीं होता, बिल्कुल उसके ऊपर विचार होता है, पूरी समिति बैठती है, उसके जो हर पहलू पे विचार करके देखते हैं इसमें कमियां क्या है, क्या नहीं है, इसकी खूबियां क्या है, तो ये नहीं, पूरी एक समिति बैठती है। इसी तरह से ये चार साल का जो लेके आए, इसमें तो सेना सबसे बड़ा सेना का रोल है, इसको जो तैयार किया है, बिल्कुल जो तैयार किया है, इसका जो रोड मैप बनाया है वो पूरा सेना ने बनाया है, सरकार ने भी नहीं बनाया है, क्योंकि सेना की इसमें जो सोच है बहुत एक, मैं तो कहूंगा बहुत सराहनीय है, जिस तरह से सोचा है सेना ने, उस हिसाब से सोचा है जैसे दूसरे देशों में नागरिकों को ट्रेनिंग देके और एक सोल्जर किस तरह से बनाया जाता है, जो वक्त मौका पे वो सोल्जर हमारे लिए काम आए, जिस तरह से आपने देखा होगा यूक्रेन। लेकिन कांग्रेस के दो आरोप भी हैं इसके साथ साथ, अग्निवीर योजना पर तो उन्होंने सवाल उठाए हैं कि देश के युवाओं के लिए खतरनाक है, इसके साथ ही सवाल ये है कि जो प्रशासनिक मशीनरी उसका दुरुपयोग भी हो रहा है। दुरुपयोग तो ऐसा कहीं हो पाता है, अभी तक नहीं हो पाया, तो अब क्या होगा, और जो करने वाले हैं उनको आप कितना भी करोगे तो वो करेंगे, इस तरह से जैसे हमारे देश में बहुत सी पार्टियां हैं जो खूब कितना भी आप कोशिश कर लो फिर भी वो देश के ग्रोथ जो है ना चलती है तो चलती है, तो इसी तरह से है, ऐसे असामाजिक तत्व हर जगह होते हैं, चाहे राजनीतिक हो चाहे बाहर समाज में हो, तो ये जो अग्निवीर जो है एक बहुत अच्छी योजना है, वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसमें परमानेंट भर्ती बंद नहीं हुई है, परमानेंट भर्ती तो कंटिन्यू चली रही है, और इसी में से जो 25% छटेंगे, सबसे बड़ी बात है रविंद्र सिंह जी, एक सोचना पड़ेगा कि इन्हीं में से 25% छटेंगे जो, वही तो परमानेंट में जाएंगे, उन्हें तो रिपील करेंगे, तो हम अपने आप को ये क्यों सोचे कि हम चार साल बाद वापस आ जाएंगे, अरे अगर हमें कंटिन्यू सर्विस करना है तो ये बात किसी ने बताई नहीं ना कैप्टन साहब, ये भी बात बोलनी चाहिए ना साथ के साथ कि परमानेंट भर्तियां नहीं रोकनी जाएगी, एक एडिशन लेके आए हम। ये तो पहले दिन से ही हमारे जो तीनों आर्मी जनरल बैठे थे और साथ में रक्षा मंत्री बैठे थे, उन्होंने ये हमने एक नई योजना की शुरुआत की है जो युवाओं के लिए या युवाओं की बेहतरी के लिए अच्छी है, बेहतरीन है, फिर इस बात को लेकर इतना हल्ला बोल क्यों? नहीं तो क्या ये एक्सप्लेन कर सकते हैं इसमें युवाओं की क्या बेहतरी है, जब एक मेंटल लेवल भी होता है, जब एक कोई भी स्टूडेंट है अगर वो चार साल अपने जीवन के सेना में गवा देगा तो मुझे नहीं लगता उसका टेम्पो बचेगा कि वो कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करे। आप सभी जानते हैं, आप किसी भी टेस्ट, किसी भी करियर को बनाने के लिए आपको एक इंट्रेंस टेस्ट निकालना होता है, वो आफ्टर 12th उसकी प्रिपरेशन होती है, कई टेस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी होते हैं, तो क्या इन युवाओं को आगे चल के पढ़ाई के क्षेत्र में या किसी आईटी जॉब में जाने की स्कोप रहेंगी? एनडीए में तो 10th के बाद ही बच्चा अप्लाई करने की कोई शुरुआत कर देता है ना। नहीं नहीं तो फिर वो फिक्स होती है ना कि हाँ भाई आपका ठीक है, एक बार आप आर्मी में चले गए तो अंटिल यू आर रिटायर्ड तब तक आप उसमें रहते हैं, उसके बाद भी आपको फैसिलिटीज मिलती है, यहाँ तो कुछ ही दे नहीं रहे हैं, आफ्टर 4 ईयर क्या उनका फ्यूचर होगा? सरकार चाहे वो यही समझाना चाह रहे हैं कि अगर परमानेंट भर्तियां वहां पर हैं
और नई योजना के तहत युवाओं की भर्ती की जाती है, तो उसमें जो युवा तैयार होंगे वो पूरी तरह से डिसिप्लिन्ड होंगे, फौज के कल्चर से वो उनको पता होगा फौज का कल्चर, इसके बाद वो अब बेहतर भविष्य बना सकते हैं, ज्यादा बड़ी और बेहतर पहुंच तैयार होगी हमारी। बताइए, ये तो कोई ऐसा नहीं है ना कि ये एक डिफेंस का जो होता है, एक इसकी सेफ्टी भी अफेक्ट होती है। जो युवाओं का कल्चर, युवाओं को जो कल्चर पता चलेगा आर्मी का, जो गुप्त योजनाएं हैं जिनको बाहर नहीं आना चाहिए मुझे लगता है, वो राज भी इनके सामने एक्सपोज होंगे। और जब ये युवा बाहर आएंगे तो क्या इन चीजों का मिसयूज नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी बीजेपी सरकार ले सकती है? तो एक जब आर्मी का जो सैनिक होता है उसकी जो क्रेडिबिलिटी होती है, जो गंभीरता उसमें होती है दिल में, क्या 4 साल में इन युवाओं में जो उम्र भी है जो है, ये बहुत ऐसी उम्र होती है जब व्यक्ति बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होता है, तो ऐसे में क्या ये गंभीरता को समझ पाएंगे? अगर ऐसे में पाकिस्तान या अदर कंट्री कोई अटैक करती है तो क्या ये अपने ध्यान गंवाने लायक अपनी देशभक्ति पैदा हो पाएगी इनमें इतने कम वर्षों में? मुझे नहीं लगता ऐसा हो पाएगा। और इससे दोनों चीजें, हमारे देश की सेफ्टी प्लस युवाओं का भविष्य, दोनों एक साथ दाव पे लगा हुआ है और इस योजना को इन्हें वापस लेना चाहिए। ये खिलवाड़ का बात नहीं है ये, और ना पॉलिटिक्स होनी चाहिए इसमें, ये पॉलिटिक्स का मुद्दा नहीं है, ये सेफ्टी एक बहुत बड़ा इशू होता है और इसको राजनीति से हटा के देखना चाहिए। क्या ये हमारे देश हित में है कि 4 साल बाद अगर हम एक सर्वेंट भी रखते हैं तो हम उसे परमानेंट कोशिश करते हैं कि जो लोग हमसे पहले से जुड़े हैं उन्हीं के साथ जुड़े, क्योंकि उसे हमारे घर के सारे राज पता होते हैं। फिर ये तो डिफेंस का मामला है, ये इतना आसान नहीं है जितना बीजेपी। तो आपको क्या लगता है, आपके इस हल्ला बोल का कोई असर पड़ पाएगा किसानों को लेकर? अगर चीजें देखी जाए, बेरोजगारी को लेकर या तमाम मुद्दे आपने उठाने की कोशिश करी, लेकिन कई बार ये कहा गया कि पहले संगठन को मजबूत किया जाए, फिर आवाज को, और तभी आवाज को मजबूती मिलती है, तो ऐसे में कैसे मजबूती मिलेगी? युवाओं का सहयोग तो आपको लेना ही पड़ेगा, क्या युवा आपके साथ हैं? ये बिल्कुल है। आज जो आप ये देखिए आंदोलन कर रही है, आपको क्या लग रहा है क्या ये पूरी कांग्रेस नहीं, ये वो लोग भी हैं जिनका पॉलिटिक्स से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, पर वो इस चीज के विरोध में है कि कल के दिन जब हमारे देश में इमरजेंसी या कुछ अटैक होगा तो हमारे देश की स्थिति क्या होगी? क्या जो इतने सारे किसान एक साल सड़कों पर बैठे रहे, क्या वो कांग्रेस की? नहीं, वो कांग्रेस उस तक समर्थन कर रही थी, पर वो जेन्युइनली वो किसान अलग अपने खुद के इश्यूज के साथ बैठे थे। तो ये बताइए जब उनके राइट अफेक्ट होंगे, हमारे देश में बहुत जो है प्रचलित है जय जवान जय किसान, ठीक है, यहाँ तो कैप्टन साहब की भी उन्हें जी कैप्टन साहब क्या लगता है, कांग्रेस सच में युवाओं के मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रही है? मुद्दे से मतलब है, उसकी गंभीरता से मतलब है, या फिर कांग्रेस अपनी सियासी जमीन मजबूत करने के लिए कर रही है? आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल रविंद्र सिंह जी, आपने सही कहा कि इन्हें ना तो मुद्दों पर है और ना ही सिक्योरिटी की जो बात कर रही मैडम, वो इससे कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ अपनी जमीन तलाश रहे और देश में दंगा फसाद कराना चाह रहे, सरकार का विरोध कराना चाह रहे। अभी मैडम ने कहा कि 4 साल बाद आएंगे तो क्या सेना की सिक्योरिटी में फर्क नहीं आएगा? तो मैं बता देना चाहूंगा कि इससे पहले भी कांग्रेस के टाइम में एक शॉर्ट सर्विस कमीशन बनाया गया था जो मात्र 5 साल के लिए था, 5 साल बाद जो सब घर आ जाते थे उसमें कोई रिफिल नहीं होते थे, इसमें तो 45% रिफिल होंगे। तो आप सोचिए, तो सब सुरक्षा में कोई सुरक्षा में सब कोई फर्क नहीं पड़ा था। तो आप आज अगर हम लेके कुछ आए तो सुरक्षा बिगड़ जाएगी, आप ले आए तो सुरक्षा में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये सब बातें हैं कि आप अच्छा कुछ करना चाह रहे हो तो आपको हम बिल्कुल रोकना चाहेंगे जिससे आपका नाम ना हो जाए। ठीक, जय ठाकुर जी, मतलब ये आप अगर करें तो बेहतर काम, हम करें तो आपको काम खराब लगने लगते हैं। SSC का एग्जाम्पल भी दे दिया उन्होंने, शॉर्ट सर्विस कमीशन का। देखिए, हर चीज से मेरिट और डीमेरिट होते हैं। ये जिस चीज के बारे में बोल रहे हैं निश्चित रूप से उसके कुछ डीमेरिट रहे होंगे, पर जिस तादाद में ये युवाओं को फौज में भर्ती कर रहे हैं वो बाहर आएंगे, वो बेरोजगार की श्रेणी, वो भी यही कह रहे हैं, वो भी यही कहना चाह रहे हैं कि जब आप योजना बनाकर लाए तो आप तक सीमित थी, आप उन चीजों को बेहतर समझते थे और आप वही बात कह रही हैं, तो यही बात तो वो भी कह रहे हैं कि हम योजना लाए, हमें पता है इसमें क्या फायदे हैं। आप पब्लिक को समझाएं, कांग्रेस की आज देखिए स्थिति, वैसे भी आप सभी जानते हैं उतना इतना कांग्रेस का नहीं है कि कांग्रेस कुछ बोलेगी और बहुत ज्यादा हो जाएगा। आप लोगों तक ये चीज समझाएं ना, अगर लोग इस चीज को समझ जाएंगे तो कांग्रेस अपने आप बैकऑफ हो जाएगी, पर लोग भी तो नहीं समझ पा रहे हैं कि योजना है उसके। ठीक है, जया जी कहना चाहते हैं कि जब कांग्रेस कोई योजना लेकर आती थी उसके बाद सलाह मशवरा किया जाता था, सदन में उस बात को रखा जाता था,
लोगों को फेवर में लिया जाता था तब किसी योजना को लागू किया जाता था और यही कहीं ना कहीं एक नियम है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी आई तो वो सिर्फ योजनाओं को लागू कर देती है, सलाह मशवरा नहीं करती है। कैप्टन साहब, ये बात जया ठाकुर कह रही हैं कांग्रेस की तरफ से कि जब कांग्रेस को योजना लाती है तो उससे पहले वो सदन के पटल पर उसकी चर्चा करती है, लोगों को जागरूक करती है, बताती है इस योजना के फायदे क्या हैं। लेकिन आप तो सिर्फ योजना के बारे में अनाउंस करते हैं और उसके कुछ ही दिनों में योजना लागू कर दी जाती है, तो सलाह मशवरा आपसे होता नहीं है। जो आप दो वर्ष की सलाह मशवरा की बात करते हैं वो किसी को भी खबर नहीं है कि किसके साथ चर्चा की गई, सदन में उस ऐसी आवाज़ उठी नहीं। ऐसा क्यों, इतनी जल्दबाजी क्यों? जी रविंद्र, एक्चुअली नहीं तैयार किया है वो पूरा सेना ने जी, ये सेना की योजना थी, ये और सेना के में जल्दी से कोई हस्तक्षेप करता भी नहीं है। हाँ वो बात अलग है कि सरकार से मंजूरी हर चीज की होती है, मगर ये पूरी योजना सरकार की, एक बेहतर योजना लाने में सरकार की क्या मजबूरी हो सकती है कैप्टन साहब, जो बताई नहीं गई किसी को? सेना भर्ती पूरा सेना के हिसाब से होती है, सरकार के हिसाब से नहीं होती, ये भी मैं आपको बताऊं, ठीक है? क्योंकि मैं खुद सेना का एक तो सरकार में मंत्री होते हैं, पूरा पैनल बैठा होता है, समझते हैं, उस पर सलाह मशवरा अंदर तो होता है ना। वो यही तो कह रहे हैं, कांग्रेस का विपक्षी दल कई बार ये भी आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जब आप जीएसटी लेकर आए तो व्यापारियों को नहीं समझ में आई, आप तीन कानून लेकर आया किसानों के लिए, किसानों को समझ में नहीं आए, नोटबंदी की देश को समझ में नहीं आई, तो वो इस तरह के इसीलिए तो आरोप लगाते हैं आपके ऊपर। जी, जी मैं बोलूं रविंद्र सिंह जी? जी 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 रविंद्र सिंह जी, आप इसमें जब नोटबंदी हम ले आए तो वो नोटबंदी किसको रात नहीं आई, सबको रात आई, सिर्फ कांग्रेस को नहीं आई, क्योंकि जब इन्हें सबसे ज्यादा उसका नुकसान हुआ है जी। इन्होंने जितने डुप्लीकेट, इनके टाइम में जब यूपीए सरकार थी, माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, तो हमारे बैंक के जो एटीएम होते हैं ना उससे भी फर्जी करंसी निकल रही थी, आज की तारीख में एक भी नहीं निकल रही। अच्छा, एक छोटा सा सवाल पूछना चाहेंगे, नोटबंदी क्यों लेकर आए थे, कि काला धन जो है वो कहीं ना कहीं पकड़ा जाए, इसलिए तो लाए थे ना आप? आप मेरी बात को समझे, नोटबंदी इसलिए लाए थे कि जितनी करंसी हमारे देश में जो है ना नंबर दो की घूम रही थी जी, उसको इस तरह से बनाया जाता था, उसकी इस तरह से छपाई होती थी कि असली नकली में आप फर्क न कर पड़े, क्योंकि जब जब वो सरकार ऐसे कामों में लिप्त हो जाए तो आप सोचिए कि वो देश के लिए कितना घातक होता है। तो मुझे याद है ये कहा गया था कि विदेशों में काला धन जो जमा है वो भी देश में आ जाएगा, 15-15 लाख सबके अकाउंट में पहुंचेंगे, जब नोटबंदी की योजना, जब नोटबंदी के बारे में बताया गया था। और आज की तारीख में अगर स्विस बैंक में पैसा देखा जाए तो ये कह रहे हैं कि डबल हो गया है, तो फिर वो कहां कामयाब रही? उसी तरह तो अग्निवीर योजना नहीं है, स्विस बैंक में जो डबल हो रहा है उसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं, वहाँ हिंदुस्तान के जो व्यापारी है बाहर रह रहे उनका भी पैसा है, जरूरी नहीं कि वो आज हिंदुस्तान से ही पैसा वहां के जमा हो रहा है जी। तो मैं इसकी चीज बताना चाहूंगा, नोटबंदी बहुत अपनी जगह सही रही। अच्छा, सत्ता में आते ही नजरिया बदल गया, सत्ता में आते ही नजरिया बदल गया? नहीं, नजरिया हमारा नहीं बदल गया, नजरिया लोगों का बदला हुआ है। जो पैसा काला धन नजर आता था वो अब आपको लग रहा है कि भारतीयों का पैसा? मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि बाहर रह के बहुत लोग बिजनेस कर रहे हैं, बहुत लोग धंधा कर रहे हैं, तो उनका भी तो हो सकता है। तो ये बात पहले नहीं समझ में आई थी, पहले ये काला धन लगती थी? पहले में अब में अंतर है, पहले हमने उसकी पूरी छानबीन कराई और अभी भी करा रहे हैं। आप ये ना सोचे कि हमने इसको छोड़ दिया है, छोड़ा नहीं, अभी भी करा रहे हैं, अभी भी उस पर पूरी निगाह बनी हुई है जी। तो आप ये ना सोचे, बाकी इतना जरूर है इसका जो है ना करंसी पे जो हमने रोक लगाई उससे बहुत फर्क पड़ा है, खासकर राजनीतिक पार्टियों को। ठीक है जया जी, कुछ कहना चाह रहे हैं इस बीच, कैप्टन साहब आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं जी। जया जी जी, जब मोदी सरकार आई थी तब एक काला धन एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि 50 साल जो कांग्रेस ने ये बहुत आरोप लगाते थे कि बहुत काला धन इकट्ठा किया है, और जो है ये हम जब आ जाएंगे तो 15-15 लाख रुपए
एवरी इंडियन के खाते में आएंगे, उस पैसे का इंसान आज तक इंतजार कर रहा है, वो अभी तक आया नहीं। और उन्हीं के सबसे ज्यादा बीजेपी के कार्यकाल में अभी नीरव मोदी, आप देखिए इतने सारे केस हुए हैं, करोड़ों रुपए लेके लोग भाग गए हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे सर? हाँ, बहुत अच्छा सवाल लिया आपने। नहीं, लेकिन एक बात जया जी मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि अगर वो काला धन बोल रहे थे, हमारा सवाल यहीं से बनता है, जब आप हल्ला बोल की बात करते हो और आप अग्निवीरों के लिए जा रहे हो, तो सवाल आखिर में यही बनता है कि आप लोगों को समझा क्यों नहीं पा रहे हो? हमारे, मैं बता रही हूँ, कांग्रेस काम बहुत अच्छे करती है, पर जो एक हमारा इवेंट मैनेजमेंट जो जिस तरीके के बीजेपी ऑर्गेनाइज करती है और जो जिस तरीके से वो अपनी बात को कन्वे करती है, मैं खुद मानती हूँ कांग्रेस की ये कमी है। आप देखें मनमोहन जी ने इतने अच्छे काम करे हैं हमारे देश के लिए, पर वो कभी अपने बात को ये मनवा नहीं पाए कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। और मोदी जी को देखिए, मैं इस चीज की, जब मनमोहन सिंह जी काम करते थे तो उनके कुछ कागजों को राहुल गांधी फाड़ भी देते थे, इस तरह की परंपरा भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, वो भी कह रहे हैं। इसीलिए हमने संगठन की आपसे मजबूती की बात की कि जब संगठन मजबूत होगा आपका, तभी तो आप हल्ला बोल या किसी प्रदर्शन में शामिल होते हैं तो आप सक्सेस होंगे। आपका संगठन उतना मजबूत नहीं रहा ना, आपको किसी पर भरोसा नहीं, आपके अपने नेता आपको छोड़ छोड़ चले जा रहे हैं, तो कैसे आपके इस प्रदर्शन में जान आएगी? सवाल तो यही है ना। नहीं, हम लोग संगठन में मजबूत करने पर ध्यान दे रहे हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में आप देखेंगे कि जब जनता इतना त्रस्त है कि जहाँ 20 रुपए की चीज मिलती थी वो आज 200 रुपए की मिल रही है, तो उनको तो बहुमत मिल रहा है। वो तो कह रहे हैं जनता हमें समझ चुकी है, हम जिस तरह के कदम उठा रहे हैं उससे जनता सहमत है और हमें जिता रही है। नहीं, कैसे समझ चुकी है ये बताइए, लोग जो बाहर बैठे हैं क्या ये सारे कांग्रेस की? मुझे नहीं लगता ये सारे कांग्रेस की, इसमें आधी पब्लिक भी है। कांग्रेसी कितने हो सकते हैं जो पार्टी में है, उस नाइन को समर्थन करते हैं, वो हो सकते हैं, लेकिन आज कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व भी फंसा हुआ है ना किसी ना किसी घोटाले में। भारतीय जनता पार्टी का यही मकसद था कि जो भी घोटाले में होगा ऊपर से नीचे तक उसको जेल का रास्ता दिखाया जाएगा। नहीं, बिल्कुल जेल का रास्ता दिखाना चाहिए, पर क्या इस चीज पे प्रश्न मार्क नहीं लगता है कि ईडी के जो खुद डायरेक्टर हैं वो 2 साल पहले रिटायर हो चुके हैं और अपना जो है एक्सटेंशन वाली जॉब पे जो राहुल गांधी को जो उन्होंने बिठाना हुआ है ये 2020 में रिटायर हो चुके हैं, उसके बाद इनको बीजेपी ने एक्सटेंशन दिया डायरेक्टर को, उसके बाद अब ईडी से। ठीक है कैप्टन साहब, चलते चलते सिर्फ आपसे जवाब लेना चाहेंगे, क्या कांग्रेस से डर रही है कि उसके प्रदर्शन से, उसके हल्ला बोल से बीजेपी कहीं ना कहीं डरी हुई है? नहीं रविंद्र सिंह जी, बीजेपी ना कभी डरी है ना डरेगी, क्योंकि बीजेपी की नीति है वो राष्ट्रवाद के प्रति है। हमारे नेता का एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास। और सबसे बड़ी बात आप देखिए कि हमारे 8 साल के कार्यकाल में हमारा एक भी मंत्री भ्रष्टाचार में नहीं आया। हाँ, लेकिन दूसरे के मंत्री अगर भ्रष्टाचार में शामिल है तो उसे आप अपनी पार्टी में शामिल कर लीजिए, फिर वो भी सही हो जाता है। ऐसा नहीं है, वो जो जिस तक जो केस है वो बंद नहीं होते, वो चले रहते हैं। ऐसा नहीं कि अगर हमारी पार्टी में आ गया तो हमने उसको जो है ना उसके केस जो है ना खत्म कर दिया। हल्ला बोल से डरे हुए हैं आप? हल्ला बोल से डरे हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये एक्सपोज हो रहे हैं। जब 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 ये ईडी इनको बुलाती है पूछने के लिए, तोड़ फोड़ शुरू कर देते हैं। ठीक है, जहाँ इनकी पेशी बंद हो जाती है तो इनका प्रोसेस बंद हो जाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि कांग्रेस डरी हुई है, चूंकि शीर्ष नेतृत्व पर लगातार कार्रवाई हो रही है, किसी न किसी चीज में फंसे हुए हैं, इसलिए वो खुद को बचाने के लिए मुद्दों से ध्यान भटकाने को लेकर एक प्रदर्शन कर रही है। वही कांग्रेस कह रही है बीजेपी डरी हुई है, क्योंकि बीजेपी के कच्चे चिट्ठे वो बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं। जवाब दोनों सही है, हमें लग रहा है कि डरे दोनों हुए हैं एक दूसरे से कि अगर कांग्रेस सत्ता में वापस आ गई तो क्या हो सकता है, हर कोई जानता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नीयत, दूरदर्शिता और जिस तरह से वो सरकारें बना रही हैं और जिस तरह से बहुमत मिल रहा है उससे कह रहे हैं वो मजबूत नजर आ रहे हैं। लेकिन ये हल्ला बोल बाकी प्रदर्शनों की तरह कहीं टाँ टाँ फिस ना हो जाए, ये देखना होगा, क्योंकि कांग्रेस के वजूद पर इस समय सवाल खड़ा हुआ है। क्या कांग्रेस इससे बाहर निकल पाएगी इस हल्ला बोल के जरिए, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।